अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर 3 है बायोकेमिस्ट्री पेपर 4 का बीएससी पार्ट 2 वालों के लिए। हमने लास्ट क्लास में जो प्रीवियस हमारे लेक्चर थे लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर 2 में, उसमें हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन वगैरह ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। एंड देन हमने लेक्चर 2 के अंदर पढ़ा था कि एक्शन ऑफ हार्मोन क्या है, एक्शन ऑफ हार्मोन किस तरह, यानी जो हमारे हार्मोन्स हैं उन वो किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करते हैं। आज के जो हमारा लेक्चर है, आज के जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है, बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लैंड्स। तो हमारे जो सबसे पहला ग्लैंड है दैट विल बी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम अगर हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम सेकेंड नाम से जो जानते हैं दैट विल बी नॉन एज हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का जो वेट है, अगर हाइपोफाइसिस की वेट की बात करते हैं दैट अबाउट 1 ग्राम और लोकेटेड होता है बिलो द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। हमें पता है हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन बट इट इज ऑल्सो वर्क एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हमें पता है कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा है बट ये काम करता है एज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन अपना, एज अ पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम भी। अगर अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एनाटॉमिकली 2 पोजीशन में डिवाइड कर सकते हैं। द पार्ट दैट इट इज कंटेन इज कंसिस्ट ऑन 2 पार्ट, दैट विल बी इंटीरियर पिट्यूटरी एंड दैट इज नॉन एज एंडोहाइपोफाइसिस। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज नॉन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों करें, बिकॉज ऑफ दी दे आर न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीशंस हो रही है दे विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस वी नो इट इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दिस टू पार्ट ऑफ आर कनेक्टेड बाय अ पर्स इंटरमीडिएट, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द पर्स इंटरमीडिएट इज द पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ नॉट प्रेजेंट अ ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड। सो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, नाउ वी आर डिस्कसिंग हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ द ब्रेन दैट फंक्शन एज अ मास्टर कोऑर्डिनेटर ऑफ द हार्मोनल एक्शन, यानी ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इट इन रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस सी एन एस हाइपोथैलेमस लिबरेट द सर्टेन रिलीजिंग फैक्टर और हार्मोन। यहाँ के अगर हम बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस है हमारा, यहाँ से जो सिक्रीशंस हो रही होती है बेसिकली ये क्या कर दे विल बी अ सर ये रिलीज करते हैं हमारे पास क्या फैक्टर हार्मोन, यानी रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, यानी अगर कोई भी सीएनएस को कोई भी स्टिमुलेशन मिल रही है और वो क्या करता है देन दे विल बी सेंड टू द हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या करता है रिब्रेट करता है अपने अंदर से कुछ केमिकल रिलीज करता है। अब वो केमिकल हार्मोन भी हो सकते हैं और या फिर कोई किसी दूसरे हार्मोन के लिए उसके रिलीजिंग फैक्टर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे अगर हम बात करें तो दिस फैक्टर स्टिमुलेट एंड इनहेबिट द रिलीजिंग कॉपरेटिंग हार्मोन, यानी अगर हम बात करते हैं ये जो रिलीजिंग जो हार्मोन या जो केमिकल जो रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है वो या तो वो क्या करेगा वो जाके किसी दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा या फिर उसकी रिलीजन को क्या कर देगा इनहिबिट कर देगा, या तो उसकी सिक्रीशन यानी या तो केमिकल को रिलीज करवाएगा या फिर उसको क्या कर देगा इनहिबिट कर देगा। इसके बाद हमारे पास जो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड विद एन अदर एंडोक्राइन सिस्टम इज नॉन वेल अंडरस्टूड। हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम से ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा वेल अंडरस्टूड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं दे विल बी अ ट्रोपिन हार्मोन होते हैं जो किसी भी दूसरे ग्लैंड को जाके एंडोक्राइन ग्लैंड को जाके क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की कि हाइपोथैलेमस में किस कौन कौन से हार्मोन बन रहे हैं। तो नंबर 1 हार्मोन जो हमारे पास हाइपोथैलेमस में बन रहा है दैट विल बी
थायरॉयड ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम इन शॉर्ट टर्म में कहते हैं TRH, थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन, थायरॉयड ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, दैट विल बी अ कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दे विल बी एक्ट ऑन द एंडीनल ग्लैंड एंड रिलीज सम सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन ऑफ द एंडीनल ग्लैंड। उसके बाद हम बात जिसे हम शॉर्ट करते हैं CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद हम बात करें थर्ड वन विल बी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करवाएगा, गोनेड्स की जो सिक्रीशन है, गोनेड्स के अंदर जो हार्मोन बन रहे हैं उनकी क्या करवाएगा, उनको रिलीज करवाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है, दैट विल बी अ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। यानी हम ग्रोथ हार्मोन की क्या करेगा, दैट यानी ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है, लेकिन उसको रिलीज करवाने के लिए यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज नॉन एज GRH। सही क्या कहते हैं, दैट विल बी नॉन एज GRH। और यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन को भी हम इन शॉर्ट देखें तो GnRH से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ हार्मोन है, यानी पांचवा जो हमारा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वो हमारा क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी एक ऐसा हार्मोन जो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने को इनहिबिट करेगा, उसके लिए भी एक हार्मोन है जो रिलीज होता है कहाँ से, आपके हाइपोथैलेमस से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा छठा हार्मोन है या सिक्स हार्मोन है, दैट विल बी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने की जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करने के लिए एक हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है, दैट विल बी नॉन एज PRIH। PRIH स्टैंड फॉर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट विल बी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हमने जैसे बात करी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हमारा क्या है, दैट विल बी अ कंसिस्ट ऑन टू पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कि ये क्या होता है, कहाँ पे है, देन इसके अंदर से सिक्रीशन किस तरह की सिक्रीशन होती है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इट प्रोड्यूस सिवियल हार्मोन दैट इन्फ्लुएंस अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड वेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ वेरी वेरी वेराइटी ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये इसमें से जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, तो ये बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, अमल दखल कर रहा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी अब उसके अंदर वर्किंग भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली कोऑपरेट, यानी किसी चीज़ के थ्रू भी इसमें वर्क कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, दैट विल बी द हार्मोन ऑफ एंडोहाइपोफाइसिस। जैसे कि हमने बात की थी कि एंडीनल ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, दे विल आल्सो नॉन एज एंडोहाइपोफाइसिस आर ब्रॉडली क्लासीफाई इंटू अ थ्री कैटलॉग। यानी इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इनको हमने क्या किया हुआ है, तीन कैटलॉग में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो हमारा है, दैट विल बी अ ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि हम यहाँ पे, मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन, या हम इसे कहते हैं प्रोलैक्टिन ग्रुप। उसके बाद जो हमारा दूसरा इसका कैटलॉग है, दैट विल बी अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। यानी इसमें से जो सिक्रीशन होगी वो कौन सी होगी, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन की सिक्रीशन होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट विल बी अ प्रोपानो मेलेंट्रोपिन पेप्टाइडो हार्मोन। तो यहाँ पे ये थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम अब यहाँ पे जिक्र करते हैं, या अगर आगे डिस्कस करें, तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ग्रोथ हार्मोन के बारे में, कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन हम अगर बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन और कोरोनरी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्लासेंटल लैक्टोजीन। और इसकी अगर हम इसके नेचर की बात करें, तो ये कैसा होता है, दे आर प्रोटीन इन नेचर विद मैनी सिमिलरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी इसकी जो, यानी अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये सिमिलरिटी रख रहा होता है किसके साथ, प्रोटीन हार्मोन के स्ट्रक्चर के साथ सिमिलरिटीज रख रहा होता है। आगे की अगर बात करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट हमने यहाँ पे बात की, जो हमारा फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन के अंदर, दैट ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा, उसमें अगर हम बात करें, तो फर्स्ट हार्मोन हमारा ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन और द सोमैटोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सोमैटोट्रोप दैट इज द पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ दिस
ग्रुप ऑफ एसिडोफिलिक सेल ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी। हमने अभी अगर बात करें तो इंटीरियर पिट्यूटरी का कुछ सेल्स हैं दैट विल बी एसिडोफिलिक सेल, जिससे हम क्या कह रहे हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको हम इसका जो प्रॉपर नेम है दैट विल बी सोमेटोट्रोपिन ट्रॉप। इसके अगर हम बात करते हैं तो टू हाइपोथैलेमिक फैक्टर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीजिंग ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। यानी अगर हम बात करें जो हाइपोथैलेमस, अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा था, हाइपोथैलेमस की दो सिग्रीशंस हैं जो ग्रोथ हार्मोन को क्या कर रही होती हैं, कंट्रोल कर रही होती हैं। जैसे कि हमारे पास दिस आर द ग्रोथ रिलीजिंग GH रिलीजिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट एंड ग्रोथ हार्मोन मून रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी एक हमारे पास था दैट विल बी अ ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा कौन सा था दैट विल बी अ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये दोनों ये जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमिक फैक्टर है। कि हाइपोथैलेमिक फैक्टर जब तक रिलीज नहीं होगा इसके, यानी हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, हाइपोथैलेमिक रिसेप्टर से ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो इसकी सिक्रीशन नहीं स्टॉप होगी बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिकली ये सारी अगर हम बात करते हैं अब ये कैसे कंट्रोल हो रहा होता है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको रेगुलेट किया जा रहा होता है कि इसका लेवल कब राइज होगा और कब डिक्रीज होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन किस के, यानी ग्रोथ हार्मोन कब बढ़ की प्रोडक्शन कब बढ़ती है, कब इनहिबिट हो जाती है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास सबसे पहले है क्या, स्लिपिंग की अगर बात करते हैं तो स्लिपिंग की वजह से यानी सोने की वजह से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है इन अ स्लिपिंग पीरियड। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो है दैट नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस में इन स्ट्रेस द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज, यानी ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये स्ट्रेस किस तरह का हो सकता है, ये किसी भी तरह का हो सकता है, ये पेन हो सकता है, ये सर्जरी हो सकती है, या कोई भी अपना हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उसकी वजह से भी कोई स्ट्रेस अगर बॉडी पे पड़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इन्फ्लुएंस कर जाएगी, यानी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और लास्ट जो हमारा फैक्टर है दैट विल बी अ फूड इंटेक की अगर हम बात करते हैं तो फूड इंटेक पे द ग्रोथ हार्मोन विल बी डिपेंडेड, यानी ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि आया कि उस शख्स की जो अगर हम किसी भी शख्स की जो फूड इंटेक है वो किस तरीके की है। अगर कोई अच्छा फूड खा रहा है तो दे विल बी अ गुड प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अगर किसी के अंदर इंटेक ऑफ फूड कम है या कोई कम खा रहा है दैट इज़ अ तो क्या होगा, यानी फूड तो खा रहा है लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है जो अगर हम बात करते हैं उसके अंदर प्रोटीन वगैरह नहीं है, तो दे विल बी बेसिकली या वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली नहीं होगी। यहाँ पे अगर लास्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ ऑब्जर्व द लार्ज इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर द सेट ऑफ द स्लीपिंग। यानी यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन है वो कब होती है, वो होती है इन अ स्लीपिंग पीरियड, यानी जब बंदा सो रहा होता है उस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद हम अगर आगे पढ़ते हैं तो अगर हम आगे पढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है बायो केमिकल फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। यानी बायो केमिकल फंक्शन क्या है ग्रोथ हार्मोन के, तो हमारे पास सबसे पहला जो बायो केमिकल फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन का वो है इफेक्ट ऑन ग्रोथ। यानी ग्रोथ हार्मोन है कि उस अब ग्रोथ हार्मोन ऊन है तो बेसिकली किस पे इफेक्ट करेगा, सबसे पहले ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर बात करें तो द ग्रोथ हार्मोन इज़ नेसेसरी फॉर अ ग्रोथ, बेसिकली ये जनरली बात है कि ग्रोथ हार्मोन है तो ये ज़रूरी होगा किसके लिए, किसी भी बॉडी ग्रोथ के लिए। अब द ग्रोथ रिलेट टू द फैक्टर ऑफ द ग्रोथ हार्मोन आर इंटरमीडिएट थ्रू अ इंसुलिन लाइव ग्रोथ फैक्टर। यानी हम बात करें तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये इंटरमीडिएट है किसके साथ, इंसुलिन लाइव ग्रोथ फैक्टर के साथ, यानी IGF-1 के साथ। IGF-1 क्या है, इंसुलिन लाइव ग्रोथ फैक्टर है जो बेसिकली जिसको हम नॉर्मली वे में कहते हैं सोमेटोडोमाडीन सी फॉर्मली, और ये बनता कहाँ पर है, ये प्रोड्यूस होता है इनटू अ लिवर सेल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा बायोकेमिकल फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन का वो है इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म।
इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं तो जो ग्रोथ हार्मोन है दे हैव एनाबॉलिक रिएक्शन, यानी इसके जो रिएक्शन होते हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करते जाएं कि एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो एनाबॉलिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई भी बायो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है इट प्रोमोट द अपटेक ऑफ द अमाइनो एसिड इनटू अ टिश्यू। अब क्या होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर तो जो टिश्यूज हैं उनके अंदर अपटेक ऑफ द अमाइनो एसिड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब अपटेक ऑफ द अमाइनो एसिड बढ़ जाएगी सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जब हमें पता है अमाइनो एसिड इज अ मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन अगर इसका ग्रोथ हार्मोन का देखते हैं बॉडी के ऊपर तो दैट विल बी अ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की थ्रू की वजह से हमारे पास बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी वेट के अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा देखने में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो बायोकेमिकल इफेक्ट है वो हमारा बायोकेमिकल इफेक्ट यानी बायोकेमिकल फंक्शन हम देखते हैं तो बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर देखें तो वो किस पे है इफेक्ट है, किस पे, ऑन दी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, यानी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, ये देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू दी इंसुलिन, यानी जो ग्रोथ हार्मोन है वो एंटागोनिस्टिक हार्मोन है कि एंटागोनिस्टिक वर्क करता है फॉर इंसुलिन हार्मोन। अब ये करता क्या है कि इंसुलिन, हमें पता है कि इंसुलिन का काम क्या होता है, दे मेंटेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन अ ब्लड, यानी हम बात करते हैं ये मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को किसमें, ब्लड ग्लूकोज लेवल को किसमें, ब्लड के अंदर। बट हम यहाँ पे अगर बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की तो ग्रोथ हार्मोन कॉज करवा देता है क्या, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया की अगर बात करते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया इज अ हाई ग्लूकोज लेवल इन अ ब्लड, यानी ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, नॉर्मल लेवल से क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन का एक इफेक्ट होता है कि दे इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस इन अ बॉडी। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ ग्लूकोस मॉलिक्यूल फॉर्म बाय अदर बायो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, यानी अगर हम बात करते हैं कि ग्लूकोस मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्म होगा किसमें, बायो ग्लूकोनियोजेनेसिस में अदर बायो मॉलिक्यूल से, यानी एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट के थ्रू जितने भी बायो मॉलिक्यूल, जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन से जनरेट फॉर्म हुआ है ग्लूकोस, या फिर हम बात करते हैं लिपिड से फॉर्म हुआ है, तो दैट प्रोसेस विल बी नॉन एज अ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अलावा क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, दे डिक्रीज द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा हम बात करें तो इम्पैक्ट इसका एक और है, दे विल बी इम्पेयर कर देता है किसको, ग्लाइकोलिसिस को, यानी जो ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज हो रही होती है सेल्स के अंदर उनको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये रिड्यूस कर देता है टिश्यू अपटेक ऑफ द ग्लूकोज, यानी अब जो टिश्यू के अंदर, यानी टिश्यू जो अपने ब्लड से ग्लूकोज को इंटेक कर रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे, उसकी जो एबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। इफेक्ट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, अगर हम बात करते हैं लिपिड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन प्रमोट द लिपोलाइसिस। अब लिपोलाइसिस क्या होती है, लिपोलाइसिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, लिपोलाइसिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द फैट इन अ एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू हमें पता है दे विल बी अंडर सबक्यूटेनियस जो फैट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यूज के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद एंड इंक्रीज द सर्कुलेटरी लेवल ऑफ द फ्री फैटी एसिड। अब हमें पता है लाइपोलिसिस हो रही है, लाइपोलिसिस में क्या होगा कि जो फैटी एसिड हैं दे विल बी, अब फैटी एसिड रिलीज होंगे, सही है, जो फैट होगी वो डिकम्पोज होगी और दे विल बी इंटर इनटू अ ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम में आएगी तो ऑटोमेटिक फ्री फैटी एसिड क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करना।
अच्छा एंड दे ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे फैटी एसिड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और वो कौन सी ऑक्सीडेशन होगी, दे विल बी अ बीटा ऑक्सीडेशन। अभी इसको हम बात करते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास जो है, बीटा कार्बन जो होती है वो बेसिकली बीटा कार्बन ऑफ द फैटी एसिड अंडरगोज द ऑक्सीडेशन ऑफ टू कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप, यानी ऐसी ऑक्सीडेशन जिसमें जो कार्बन बीटा कार्बन है उस है फैटी एसिड का, वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए किसके साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, या आगे जब मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट पढ़ेंगे तो उसकी उसके अंदर हम फर्दर इसको डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है। इसके उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसका एक और इफेक्ट है इसके ग्रोथ हार्मोन का लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कीटोजेनेसिस पार्टिकल को इन डायबिटीज, यानी इन अगर डायबिटी पेशेंट है तो उनके अंदर एक और चीज़ होगी कि जो कीटोजेनेसिस होती है, एक प्रोसेस होता है कीटोजेनेसिस, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, पर्टिकुलर इन डायबिटिक पेशेंट। उस कीटोजेनेसिस क्या होती है, कीटोजेनेसिस अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी थ्रू अ ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, यानी कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है ब्रेक डाउन, किसकी ब्रेक डाउन की वजह से, फैटी एसिड की ब्रेक डाउन की वजह से, या फिर कीटोजेनिक अमाइनो एसिड की वजह से। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे जो हमारा इफेक्ट है वो इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन का किसके ऊपर, वो इफेक्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ मिनरल्स मेटाबॉलिज्म, यानी मिनरल्स की मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मिनरल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रमोट कर देगा बोन के अंदर किस बोन की क्या, मिनरलाइजेशन को, बोन मिनरलाइजेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होगा, क्लियरली ग्रोथ का इफेक्ट होगा, यानी बोन्स क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, जो हम इजीली क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी ग्रोथ चाइल्ड के अंदर, ठीक है। अब मिनरलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच मिनरल्स और क्रिस्टल आर डिपॉजिट इन अ बोन, मिनरल क्रिस्टल आर डिपॉजिट इन अ बोन, यानी जो मिनरल्स के क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं किसके अंदर, बोन्स के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। ये तो हमने बात करी थी कि इफ़ेक्ट क्या होंगे बॉडी के ऊपर किसके, ग्रोथ हार्मोन के। अब हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट है ऊपर टॉपिक है वो है एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, या ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है अगर उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, दैट विल बी इम्पेयरमेंट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन इज ग्रोइंग एज इज ड्वार्फिज्म, यानी अगर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए या ख़राब हो जाए इन अ ग्रोइंग एज, तो एक फिनोमिना होता है, एक डिजीज़ होती है, दैट डिजीज़ विल बी अ ड्वार्फिज्म, दैट डिजीज़ विल बी अ ड्वार्फिज्म, वो क्या कहलाती है, दैट इज नॉन एज ड्वार्फिज्म, ठीक है। अब ड्वार्फिज्म, और इसके अलावा अगर हम अदर डेफिशिएंसी ऑफ द मेटाबॉलिज्म इफेक्ट देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से इतना ज़्यादा कोई खास शो नहीं होता बॉडी के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन की, तो हमारा दूसरा इफेक्ट होगा। अब दूसरी अगर प्रोडक्शन की, कि अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन की, तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन कॉज करेगा एक बीमारी, एक डिजीज़ कॉज करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, जायंटिज्म कहते हैं। जायंटिज्म एक ऐसी डिजीज़ है जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है, लेकिन किस में, इन अ चाइल्ड, यानी इन चाइल्ड एज अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, तो दैट कॉज अ जायंटिज्म। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन अडल्ट बॉडी, अगर अडल्ट बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो दैट कॉज अ एक्रोमेलेंजी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेसिकली ये ओवर प्रोडक्शन क्यों होती है, तो बेसिक अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर ये ओवर प्रोडक्शन इसलिए होती है, यूजली जो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एसोटोफिलिक सेल्स हैं उसमें क्या हो जाता है, ट्यूमर कॉज हो जाता है। ट्यूमर कॉज होने की वजह से ये दे विल बी इंक्रीज देयर सिक्रीशन। अब करेक्टराइज क्या होगा, इसके करेक्टर्स क्या होंगे, बेसिकली जायंटिज्म के करेक्टर्स क्या होंगे या ओवर प्रोडक्शन के करेक्टर्स क्या होंगे, दे इंक्रीज द ग्रोथ
ऑफ लॉन्ग बोन, यानी लॉन्ग बोन जो आपकी हैं फीमर वगैरह दे उसकी उनका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो लॉन्ग बोन की ग्रोथ ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हम बेसिकली अगर हम इसकी आगे की बात करें कि इस लॉन्ग बोन की ग्रोथ को हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो दिस ऑब्जर्व बिफोर द एपिफाइलिसिस पैलेट प्लेट क्लोजर। ये एक फिनोमिना है, इसमें होता क्या है कि एपिफाइलिसिस इनक्लोजर्स के अंदर कि ऑल कार्टिलेज इज रिप्लेस बाय अ बोन, यानी जितने भी हमारी बॉडी में कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो जाते हैं किस पे, बोन से, फ्यूजिंग बाय अ डायफाइसिस और बोथ, यानी डायफाइसिस की वजह से भी और एपिफाइसिस की वजह, दोनों की वजह से भी ये इन एपिफाइसिस क्लोजर इनक्लोजर का बाइस बन सकती है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्रोमेलेंजी अकर आफ्टर एपिफाइलिस इज इनक्लोजर एंड करेक्टराइज बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द हैंड, यानी एक्रोमेलेंजी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो एपिफाइलिस इनक्लोजर, यानी जो आप जो बोन्स के जो कार्टिलेज हैं वो क्या हो जाएंगी बेसिकली आपके पास हार्ड हो जाएंगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसके, अगर मैं बात करता हूँ ये लॉन्ग बोन है और इसके ऊपर ये कार्टिलेज है, तो ये कार्टिलेज क्या होगी बेसिकली, ये कार्टिलेज जो हेड इसमें कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ बोन और वो क्या हो जाएगी, स्ट्रक्ट हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे पास दूसरे क्या इस अगर हम बात करें तो इंक्रीज ऑफ द हैंड साइज ऑफ द हैंड, यानी हाथ अगर हम उनके हाथ देखेंगे तो इस डिजीज़ के अंदर हाथ की जो फिंगर्स होंगी या हाथ जो होगा वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होगा, यानी उसका साइज़ क्या होगा थोड़ा सा बड़ा होगा। इसके बाद बात करते हैं फेशियल चेंज यानी उनके जो फेशियल अपेरेंस जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे कि इनलार्ज नोज, यानी जो उनकी नोज़ होगी जो नाक होगी उनकी वो थोड़ी सी इनलार्ज होगी, बड़ी सी होगी। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अलावा फेशियल चेंजिंग कैसी होगी, तो जो इनकी जो जॉ है वो जिस बेसिकली क्या हो जाएगी प्रोटेक्ट हो जाएगी, यानी फैल जाएगी, जो फैली भी जॉ होगी वो इन यानी आप क्लियरली देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो अगर हम नॉर्मल जॉ यूँ हैं तो उसमें जब प्रोटेक्शन ऑफ द जॉ होती है तो दे विल बी लाइक अ बॉक्स लाइक, यानी हम बेसिकली स्क्वायरल उसमें देख सकते हैं कि जो उसका जॉ होता है वो वर्टिकली फैल जाता है, तो दैट इज़ दी ओवर प्रोडक्शन इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। के ओवर प्रोडक्शन में क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन में क्या होगा। इसके अलावा हमने बात करी आज के लेक्चर में हमने जो बात करी वो ये करी कि अफेक्ट ऑफ बायोकेमिकल फंक्शन क्या है ग्रोथ हार्मोन के। सबसे पहले हमने जो बात करी थी वो बात करी थी कि हम के हाइपोथैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, उसके बाद हमने बात की हाइपोथैलेमस की के हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन किस तरह के होते हैं और उन कौन कौन से होते हैं। फिर हमने बात की एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की क्लासिफिकेशन की, और उसके बाद हमने जो पहली क्लास पढ़ी आज वो क्या थी, पहली क्लास की पढ़ी वो क्या थी हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो उसमें हमने पहला हार्मोन पढ़ा दैट विल बी अ ग्रोथ हार्मोन, उसके अफेक्ट पड़े कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो क्या करेंगे इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे और इसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे, यानी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। फिर बात की बायोकेमिकल फंक्शंस की कि बायोकेमिकल फंक्शंस क्या होंगी, यानी किस बॉडी के ऊपर इसका क्या बायोकेमिकल फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो लास्ट हमने बात की वो की एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन से कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी होगी उसकी बात की। आज का लेक्चर में बस हमारा इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे कि नेक्स्ट हमारी वीडियो जो होगी उसमें हम प्रोलैक्टिन के बारे में, प्रोलैक्टिन हार्मोन और उसके बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या होती है उसकी उन बातों को फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, मेरा लेक्चर आज का समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जब भी वीडियो आएगी अगर आपने बेल आइकन दबाया होगा तो इससे ये होगा कि आपको मेरी जो वीडियो होगी जो लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको आपकी यूट्यूब चैनल पे वसूल हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।